पंचायत चुनाव की यह घोषणा आज न तो कल हो ही जाएगी। ऐसे माना जा रहा है कि 20 अगस्त के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की तो अहर्ता जान लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज होता है नामांकन करने में, प्रस्तावक। प्रस्तावक की अहर्ता क्या होना चाहिए, और प्रस्तावक को जब भी आप किसी को प्रस्तावक बनाएं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाना है, बहुत सावधानी बरतना है इसमें, नहीं तो सब चीज ठीक होते हुए भी प्रस्तावक की वजह से आपका नामांकन रद्द हो सकता है, या कोई गलत प्रस्तावक का चयन आपको चुनाव से बाहर करवा सकता है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, आज वन बाई वन चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, प्रस्तावक की अहर्ता क्या होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप ऐसे लोगों से जो गुजारिश हम करते हैं, जो कहते हैं बार बार कमेंट में लिख रहे हैं कि वीडियो छोटी बनाइए, तो आपसे यही गुजारिश है कि आपको अगर रेडीमेड जानकारी चाहिए तो बहुत सारे चैनल हैं, न्यूज चैनल, आपको 2 मिनट में सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन हम यहाँ सूचना नहीं देते हैं। सूचना जो होती है मैं वो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाता हूँ, बनाता ही नहीं हूँ वीडियो, लेकिन जो जानकारी मुझे देना है, जो समझाना होता है, उस जो गंभीर विषय है, उस पर वीडियो 6 से 7 मिनट 8 मिनट का बनेगा ही, तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि आपके लिए अलग से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, जो 2 मिनट 3 मिनट का, वो आप देख लीजिएगा। जहाँ तक सूचना की बात है तो बहुत से माध्यम से सूचना मिल जाते हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी के लिए ही लोग मेरे चैनल पे आते हैं, तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों से ही गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाला है और बहुत सारी ऐसी वीडियो आएगी और ऐसी नई नई जानकारी लेकर मैं आऊँगा जो आपको यहीं मिलेगा, और वह जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, हम जल्द फटाफट हम बताते हैं कि प्रस्तावक बनाने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और प्रस्तावक कौन बन सकता है। तो देखिए, पहले हम करते हैं प्रस्तावक के लिए अहर्ता, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रपोजर। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज है और जो अधिनियम धारा 136 की उपधारा 1 के अधीन अंतर्निहित है, वैसे व्यक्ति ही अभ्यर्थी या प्रस्तावक बनेंगे। बस इसको इतनी बड़ी भाषा में जो लिखी हुई है राज्य निर्वाचन आयोग की चिट्ठी है, तो इसको सामान्य भाषा में ही समझिए कि जो प्रस्तावक जो होगा, जो आपका मतदाता जरूर होना चाहिए, मतलब जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वह मतदाता, उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कौन कौन प्रस्तावक बन सकते हैं। देखिए, प्रस्तावक बनने के लिए नाम होना चाहिए और प्रस्तावक की उम्र 21 वर्ष, जो जिस दिन नामांकन हो उस दिन 21 वर्ष होने चाहिए, 21 वर्ष से अधिक हो सकता है। और हालांकि कोई व्यक्ति जिनका नाम है वो प्रस्तावक बन सकते हैं, लेकिन जहां कहीं कहीं कंफ्यूजन है कि ये प्रस्तावक नहीं बन पाएंगे, लेकिन नियमतः वो बन सकते हैं, तो ऐसे लोगों का मैं नाम बता दे रहा हूँ। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी यानी डीलर, वही प्रस्तावक बन सकता है। कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, मतलब कमीशन एजेंट, वही प्रस्तावक बन सकते हैं। और कार्यरत गृह रक्षक, मतलब गृह रक्षक होम गार्ड जो कार्यरत नहीं हो, कार्य प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित होगा कि गृह रक्षक कार्यरत है या कि नहीं है, प्रस्तावक हो सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता AGP एवं अपर लोक अभियोजक एडिशनल PP जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं पंचायत निर्वाचन के लिए प्रस्तावक बन सकते हैं। तो ये प्रस्तावक जो बनने की बात है, जहां पर लगता है कि कंफ्यूजन है, वहां मैं बता क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये लोग प्रस्तावक बनेंगे। अब हम यह जान लेते हैं कि प्रस्तावक के लिए अनर्हता, मतलब कौन से प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तावक किसे बनाया कि आप सुरक्षित आपका नामांकन रहे, नहीं तो प्रस्तावक पर बहुत सारे खेला हो जाते हैं। तो पहले हम इसको डिस्क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन, प्रस्तावक के लिए अनर्हता। अधिनियम की धारा 136 की उपधारा 1 में उल्लेखित निर्हरता के अनुसार निम्न व्यक्ति प्रस्तावक नहीं हो सकेगा, जो भारत का नागरिक नहीं हो, सबको जानते हैं, राज्य विधानमंडल से निर्वाचन के प्रयोजनार्थ
तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग घोषित किया गया हो। अगर कोई वह मतदान के लिए अयोग घोषित कर दिया गया हो, हालांकि इसका उम्र 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो, तो इसके आधार पर अयोग घोषित नहीं किया जाएगा। उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, यानी 21 वर्ष से कम उम्र के मतदाता अभ्यर्थी प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं। ये जान लीजिए कि जो 21 वर्ष पूरा कर लिए प्रस्तावक बनेंगे, केंद्र व राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार में सेवा में हो। अगर केंद्र सरकार के सरकारी नौकरी में है तो प्रस्तावक नहीं बनेगा। केंद्र या राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था में सेवा हो, केंद्र और राज्य के सहायता प्राप्त संस्था में भी वह अगर कार्य करता हो तो प्रस्तावक नहीं बनेगा। किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णित नहीं हुआ हो, सक्षम न्यायालय द्वारा उस विकृत चित्त कहते हैं, जिसमें वो पागल कहते हैं, उस तरह का अगर उसका कोई सजा नहीं हुआ, उद्घोषित नहीं किया गया हो, तो वह प्रस्तावक बन सकता है। और अगर नहीं घोषित कर दिया गया हो तो प्रस्तावक नहीं बन सका। न्याय में निर्णय लेना मिलना चाहिए कि यह आदमी पागल या दिवालिया है। केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्युत कर दिया गया हो और किसी लोक सेवा नियुक्ति के लिए निर्हर्षित घोषित कर दिया गया हो, किसी तरह का घोटाला और किसी तरह का आपराधिक प्रवृत्ति में उसको सजा मिल गई है, पद से हटाया गया हो, तो वह भी प्रस्तावक नहीं बन सकता है। भारत के भीतर या बाहर किसी दंड न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए 6 महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास या दंड पा चुका हो। आप इसको ध्यान ले लीजिएगा, राजनीतिक अपराध जैसे धरना दिए, घेराव किए, इस सब में अगर कोई अपराध में आपको सजा मिली है तो प्रस्तावक बन सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा चोरी, डकैती, गबन, हत्या, इस तरह का मामला में अगर उसको 6 साल से ज्यादा का सजा मिल गया है, 6 साल का सजा मिल गया, तो प्रस्तावक नहीं बन सकता है। सदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अधिनियम 2, 1974 की धारा 109 या धारा 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो, आदेश के बाद उल्टा न गया हो, उसको मैंने परिभाषित किया है कि कौन कौन से धारा में उसको सजा अगर मिल गया हो, तो अगर उसको निर्दोष घोषित नहीं किया गया हो बरी अदालत से भी, तब वह नहीं बन सकता है। तत्समय पर किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र न रह गया हो, ऐसा व्यक्ति जिस पर या किसी भी संवैधानिक संस्था के सदस्य होने का उसकी पात्रता समाप्त हो गई हो, मतलब गत आचरण का व्यक्ति हो, वह भी नहीं बन पाएगा। पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ के पद धारण करता हो, जो पंचायत के अंदर कोई वैतनिक पद धारण करता है वह भी नहीं बनेगा प्रस्तावक। भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो, वो तो 6 वर्ष वाला तो बता ही दिए थे कि 6 वर्ष सजा होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से लोग कैसे कैसे लोगों को प्रस्तावक नहीं बनाना है। उपर्युक्त धारा कंडिका ग ख उस खैर आपके जाय एथिक का चीज नहीं है, जानकारी का चीज है ही नहीं। मैं आप सीधे आप जान लीजिए ऐसे कि आंगनवाड़ी सेविका प्रस्तावक नहीं बनेगी, विशेष शिक्षा परियोजना साक्षरता अभियान विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक यह प्रस्तावक नहीं बनेंगे, पंचायत के अधीन मानदेय अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक या अन्य कर्मी प्रस्तावक नहीं बनेंगे, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत दलपति दलपति प्रस्तावक नहीं बनेंगे, केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार में पूर्णतः आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान, गैर शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत प्रस्थापित प्रतिनियुक्त प्राधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर जो भी हो, रसोईया हो, यह मानदेय पर कार्य करते हैं, यह प्रस्तावक नहीं बनेंगे। वितरित कॉलेज में है, वितरित स्कूल में होता है, जैसे स्कूल है वो वितरित है लेकिन सरकार द्वारा उसको अनुदान मिलता है, ऐसे संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति प्रस्तावक नहीं बन पाएंगे। कार्यरत गृह रक्षा होमगार्ड के जवान जो कार्यरत है वह नहीं बन पाएंगे। सरकारी वकील, GPP, लोक अभियोजन, PP, सरकारी अधिवक्ता जो सरकार के द्वारा प्राधिकार प्रतिधारक शुल्क पर नियुक्त किए गए हो, सहायक लोग अभियोजन, वेतनभोगी सरकारी सेवक, अतः ये सभी प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं।
नाम निर्देशन की अंतिम तिथि के अगले दिन संवीक्षा की पहली तिथि को उम्र 21 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, इस समझने वाली बात है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स आया था कि अगर जिस दिन हमको नामांकन करना है, माने अंतिम तिथि जो है उस दिन हम 21 वर्ष पूरा करते हैं तो हम उम्मीदवार बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। मेरा भी दिमाग चकरा गया था, मैंने भी वकीलों से किताब को देखा, तब यह डिसीजन लिया, मतलब मैंने जाना यह इस बात को। मुझे जानकारी नहीं थी कि नाम निर्देशन का मतलब नामांकन के दिन के एक दिन बाद तक भी आपका उम्र 21 वर्ष पूरा हो रहा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, उसी तरह प्रस्तावक भी बन सकते हैं अगले दिन, समझ जाइए, अंतिम तिथि के अगले दिन तक। केंद्र या राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकार में सहायता प्राप्त करने वाले किसी संस्था में सेवा में रहने वाले व्यक्ति का नाम निर्देशन पत्र में भरे जाने की तिथि से पूर्व सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत नहीं हो। तात्पर्य यह है कि नाम निर्देशन भरे जाने के पूर्व त्याग पत्र स्वीकृत होना चाहिए। अब जैसे त्याग पत्र आप दे दिए, कहा गया कि सेवानिवृत्त या जो कार्यरत नहीं हो, त्याग पत्र दे दिया है लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ हो नाम निर्देशन मतलब अंतिम तिथि तक, अगर उसको भी प्रस्तावक बनाते हैं तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। अब देखिए, ये सब रद्द हो जाएगा। अब हम सीधे बात करते हैं आप आपके एकदम काम की बात। प्रस्तावक बनाने में बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिए कि प्रस्तावक जो हो आपका बहुत ही आपका अपना व्यक्ति हो, एकदम अपना व्यक्ति हो, एकदम निजी व्यक्ति हो जो किसी के बहकावे में नहीं है। अगर आपका प्रस्तावक किसी आपके साथ किसी दूसरे व्यक्ति का भी प्रस्तावक बन जाता है तो आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। और इस तरह के जो स्थानीय चुनाव पंचायत चुनाव में बहुत गेम होते हैं दूसरे का नामांकन रद्द करवाने के लिए, उस व्यक्ति को लालच देकर लोभ देकर वो फिर किसी दूसरे व्यक्ति का फॉल्स नामांकन करवा देते हैं किसी भी पद में और फिर आपका नामांकन रद्द हो जाएगा। इसलिए आप यह कोशिश कीजिए कि प्रस्तावक जो भी बनाए या तो परिवार के सदस्य को ही बनाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर पत्नी का पति प्रस्तावक बन सकता है या भाई प्रस्तावक बन सकता है, तो बिल्कुल अगर उसमें अर्हता है, जितना हम चीज अब बताए कि मतदाता सूची में नाम हो, 21 वर्ष पूरा कर रहा हो, तो पति पत्नी का प्रस्तावक बन सकता है, पत्नी पति का प्रस्तावक बन सकता है, चाचा भतीजा का प्रस्तावक बन सकता है, भतीजा चाचा का बन सकता है और भाई भी बन सकता है। इसलिए इसमें आप झोर जरा सा भी नहीं हिचके, प्रस्तावक बनाने में बिल्कुल ही सावधानी बरतें दोस्तों। नहीं तो बहुत देखिए, हमारे जो आरक्षण का व्यवस्था है ये नीचे वाले लोगों को उठाने की व्यवस्था है और वैसे लोगों को बुद्धू बनाना नहीं कर सकते हैं। अब उनकी जानकारी का थोड़ा अभाव होता है तो उनको गड़बड़ा दिया जाता है, उनको गड़बड़ करके उनका नामांकन रद्द करवा दिया जाता है। इसलिए इस बात पर एकदम ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावक जब भी बनाइएगा बहुत ही निजी एकदम अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति को ही प्रस्तावक बनाइएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। बहुत सारे लोगों का कॉमेंट भी आता था कि प्रस्तावक के बारे में बताइए, और बहुत लोग पूछते हैं कि प्रस्तावक के लिए कागजात क्या चाहिए, तो देखिए जो जो अर्हता है उसी का प्रमाण दे देना है। तो दोस्तों अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, हर रोज नया सीखेंगे। अब आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।